खुशी है कि आज बड़े बड़े प्यारे चेहरे और बड़े बड़े प्यारे सोच के लोग आज गोंदिया की सरजमीन पे हमें देखने को मिले और सुनने को मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये चार मिसरे सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ सर, आप सभी की तरफ से, के जो आपने कहा मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि जुनैद मियां वो आप लोगों ने अपनी बातें रखी। बड़े भाई सरफराज भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो और सतनाम साहब और जितने भी लोग यहाँ मौजूद, भैया ये सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं आवाम के लिए कि जीते जी अपने किसी दिल को ना रोने दूंगा, बीज नफरत का किसी दिल में ना बोने दूंगा। और आप सब कहते हैं कि जान हाजिर है मेरी, जान के टुकड़े कर दो, मैं अपने भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। करीब आके ये शेर पढ़ना चाहूंगा, जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं सर, मैं करीब आ गया क्योंकि ये चेहरे वो चेहरे हैं के बड़े जमाने बाद आप लोगों से मुलाकातें होती हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा जितने भी लोग सामने बैठे हैं सर कि हम रिपीट कम रख बेटा, एक मॉनिटर में रिपीट कम रख, हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, अरे इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। सतनाम भाई हम ये ना देखें यहां हिंदू मुसलमान कौन है। सर आप तो बोले और बोलते रहेंगे, हमारी दुआ है कि आप लोग जितने भी प्यार करने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ बैठे हैं कि हम सब सलामत रहें। मगर आज हमारे साथ साथ हमारी जनता भी बोलेगी, तवज्जो चाहूंगा सब लोग मेरा साथ दें, जितने भी लोग बैठे हैं कि हम बेटा गॉडलेस नहीं तेरे पास, हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान। आवाज आना चाहिए, देखा नेताजी की आवाज कितनी आ रही थी, आप तो इतने बहुत सारे हैं कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, अरे इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। क्योंकि सर हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर हाथों से दामाने शराबत छूट जाएगा। ये जो आपके गले में दामन डाला गया है ये मोहब्बतों के दामन है, ये मोहब्बतों की दस्तारें हैं जो हमारे सरों पर सजी हुई हैं, हमारे गलों में लटकी हुई है, हमारी पहचान है, ये हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत की पहचान है। यहाँ मैं अपनी रोजी पे खड़ा हूं जो मैंने आज तकरीबन कई
काफी टाइम बाद ऐसा प्रोग्राम गाने को मिल रहा है। यूं तो महोत्सव बहुत सारे गाए, जश्न एकता, जश्न रेखता, जश्न हिंदू मुस्लिम, जश्न अदब, मगर आज ये जश्न जो है शाने गोंदिया इज्तिमाई निका, और जो सरफराज भाई ने और इनकी पूरी टीम ने, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इतना बड़ा मुहिम उठाया है और आप लोगों की मोहब्बत साथ में है। मैं चाहता हूँ जितने हाथ हैं अगर उन्होंने ताली नहीं बजाई तो मुझे ऐसा लगेगा आपके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत कम है। इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, हिंदू जितनी माँ बहने और भाई जितने बहने, जोरदार तालियां होना चाहिए। और इस मोहब्बत को देखते हुए मैं ये चार मिसरे पढ़ना चाहूंगा सर के हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हाथों से दामाने शराबत छूट जाएगा, वो मंदिर राम का हो या खुदाए पाक का घर हो, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। वो मंदिर राम का हो या खुदाए पाक का घर हो, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। तो दूसरे शहर साहब ने मुझसे कहा कि जुनैद मियां ये क्या बात कर रहे हैं, आप ये सुनिए। मैंने कहा सुनाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे हाथों से तामाने शराफत कैसे छूटेगा, वो मंदिर राम का हो या खुदाए पाक का घर हो, हमारी एकता न टूटी तो भारत कैसे टूटेगा। शेर हमारा सर बड़ा वायरल हुआ है तनवीर गाजी साहब का, थोड़े से बेटा थोड़ा सा वीडियो बनाई हो, मगर इस वक्त मूड जुनैद सुल्तानी का कुछ और हुआ हुआ। बहती है जो प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है जो प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है जो प्रेम की गंगा। क्या बात है शीतल भाई, क्या गंगा भाई है। जोरदार तालियां होना चाहिए भाई शीतल हॉल करके लिए। बहती है जो प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बैठो, अजी लाल हरे रंगों में हमको मत बैठो, छत के ऊपर एक तिरंगा चाहूंगा। नामों में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मगर मेरे लिए आप सब मेरे सर के ताज हैं कि हम हिंद के नारे से धरती को हिला देंगे, हम हिंद के नारे से धरती को हिला देंगे। अरे धरती तो रही धरती अंबर, हम हिंद के नारे से धरती को हिला देंगे। अरे धरती तो रही धरती अंबर को हिला देंगे। और हिंदू मुसलमानों, हिंदू मुसलमानों, अरे आपस में तो मिल जाओ, हम देश के दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। सर जब भी एकता की बात आती है तो मुझे एक नाम हमेशा याद आता है, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जिन्होंने कहा था कि धुआं धुआं सा है या आसमान थोड़ी है। ऑपरेटर कहां गए हमारे स्टेज के ऑपरेटर, अभी जो धुआं निकाल रहे थे, आप धुएं की बात है तो आओ ना जरा बन के मेरी जान। आज मैं आया तो कव्वाल बन के था सरफराज भाई,
मैं आया तो कव्वाल बन के था, मगर इस कमेटी ने मुझे इस कमेटी का मेंबर बना दिया। हजरा धुआं धुआं बाजी सतनाम भाई इधर हटो यार, सर आता प्लीज प्लीज। धुआं धुआं सा है, ये आसमान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां क्या साहिबान थोड़ी है, और सभी का खून है, सभी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तस्वीर नहीं है, नेहरू के भी ख्वाबों की ताबीर नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर कर्म अपना गोंदिया और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जितने लोग सामने बैठे हैं, जरा मेरे साथ आइए। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। बड़े अफसोस की बात है, इलेक्शन जीत जाएंगे, तुम भी बोलो कुर्सियों पे जो बैठे हो, हे दिल दिया है ऐ वतन